राम शरण गुप्त जी ने लिखा है, एक फूल की चाह किसने लिखा है, एकदम माथे में डाल लो, एमसीक्यू में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन फंसाएगा। किसने लिखा है? सिया राम शरण गुप्त ने लिखा है। ओके सुहानी, किसने लिखा है? सिया राम शरण गुप्त ने लिखा है, नंबर वन थिंग। सेकेंड चीज, एक फूल की चाह, वॉट इज एक फूल की चाह इस पूरे पोएम में, इस पूरे कविता में बेसिकली हम, हाँ पता है अनम्यूट नहीं हो रहा तुषार, आई डोंट नो व्हाई आई एम ट्राइंग बट यहाँ पे पता नहीं, ठीक है वी विल टॉक, लेट्स सी। देखो एक फूल की चाह, वॉट इज एक फूल की चाह इस पूरे कविता में हम लोग का ना क्या दिखाया जाएगा, इच्छा है किसी का, आई डोंट नो किसका, मतलब ऐसे आई नो बट ऐसे आई डोंट नो, अभी सोचो अपने बिगिन कर रहे तो अपने को नहीं पता है, किसी का इच्छा है फूल प्राप्त करने का, इजंट इट। एक फूल की चाह, चाह का मतलब क्या होता है, इच्छा कि मुझे एक फूल चाहिए। अब लेट्स सी किसको चाहिए, अभी देखते हैं। मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, कविता स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ, ये जो पूरा पोएम है ना बेसिकली वो एक प्रॉब्लम को दर्शाता है। क्या प्रॉब्लम है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी। आप अपने सबको पता है, नाउ इट्स नॉट वेरी कॉमन राइट कि अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम इतना नहीं होता, इट्स अ क्राइम, बट पहले के जमाने में ये बहुत बड़ा पाप था, पाप नहीं मतलब बहुत बड़ा रूप में फॉलो होता था, छोटे जाति बड़े जाति किसी को टच मत करो ऐसे करके रहा जाता था। तो ये जो पूरा अपना सारा चीज है वो एक अनटचेबल इंसान से रिलेटेड है कि उसका क्या पेन है, वो एक नीची जाति में जन्म लिया तो उस कारण उसको क्या क्या फेस नहीं करना पड़ा, बेसिकली ये चीज हम लोग को इस पोएम में देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर थम्स अप, इज इट क्लियर गाइस? ओके सब लोग बोलो, सबका ठीक है ना, क्लियर है सबको? एग्जैक्टली देवांश, वो वही चीज आएंगे, वही चीज है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके आगे, ये तो एक बेसिक था, अब आगे देखो। एक फूल की चाह, बहुत रोकता था सुखिया को। सुखिया वर्ड से क्या पता चल रहा है, सुखिया वर्ड लड़का के लिए या लड़की के लिए है, तो याद रखना लड़की के लिए है। सुखिया वर्ड किसके लिए, अपने को सुनने में लग रहा है ना लड़का हो सकता है, बट इट्स नॉट लड़का, कौन है बोलो, लड़की है, याद रखना। बहुत रोकता था सुखिया को, यहाँ पे जो नरेट कर रहे हैं वो एक फादर के रूप में नरेशन हो रहा है, पापा बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री को, ठीक है, क्या करता था, बहुत रोकता था, क्लियर, क्यों रोकता था आगे देखेंगे। पिताजी अपनी पुत्री को क्या करते थे, बहुत रोकते थे, ना जा खेलने को बाहर, क्यों रोकते थे कि बाहर मत जाओ खेलने के लिए। वी ऑल नो, जितने भी बच्चे होते हैं इजंट इट, सबका क्या मन करता है बोलो, खेलने का, उनके लिए खेलना सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप लोग अब अनम्यूट कर सकोगे, मैंने ऑप्शन दे दिया, वैसे सबके लिए प्रिय क्या है बोलो, खेलने का ऑप्शन है ना, बच्चों के लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है कि उनको खेलने दो, उनको ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, अगर रात दिन भी उनको खेलने के लिए परमिशन दे दिया जाए तो दे आर ओके विथ इट राइट। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या होता है कि जो बेटी है सुखिया है उसको बहुत इच्छा होती है क्या कि वो सिर्फ बाहर ही खेलती रहे, बट पिताजी बाहर खेलने जाने से अपनी पुत्री को रोकते थे। सोचो क्या रीजन होगा जो आगे देखेंगे, कुछ तो ऐसी बात है कि पिता पुत्री को रोकता था कि नहीं बाहर खेलने के लिए मत जा, बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, बट पिताजी के बहुत मनाने पर भी, पिता के बहुत बोलने पर भी पुत्री नहीं रुकती थी, बेटी नहीं रुकती थी, ठीक है, नहीं ठहरती वह पल भर, पल भर माने थोड़ी देर भी वो रुकती नहीं थी। मेरा हृदय कांप उठता था, हृदय कांप उठता है मतलब जो दिल है उसमें डर लगता है, हृदय इज व्हाट, हार्ट, कांप उठता है माने क्या, उनको डर लगता है राइट सुहानी। मेरा हृदय कांप उठता है माने पिताजी का हृदय कांप उठता है, जस्ट इमेजिन, एक छोटी सी तो बात है बाहर खेलने जाना है और वो बेटी नहीं मानती है, बाहर खेलने जाई जा रही है, तो पिता का हृदय क्यों कांपता है, सस्पेंस है, वाई, क्या रीजन है ऐसा। बाहर गई निहार उसे, बाहर जब वो जाती थी ना, निहार माने देखकर, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बात से, माने जब जब वो बाहर जाती थी मेरी निगाह भी उसके साथ साथ बाहर जाती थी,
और मुझे लगता था कैसे ना कैसे इस बार, यहाँ पे मेंशन्ड है इस बार, बट इट इज नॉट इस बार, हमेशा पिता को यह डर लगता था जब जब पुत्री बाहर जाती थी कि कैसे अपनी बेटी को मैं बचा लूं। पता है किससे बचाएगा? जैसे अपने यहाँ पे कोविड स्टार्ट हुआ ना, उस टाइम एक महामारी छा गई थी, छुआछूत ये सबसे रिलेटेड ही है, माने टच से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड एक ऐसी महामारी छा गई थी कि बच्चे मर रहे थे। अब बोलोगे मैम आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि आप लोग का ये जो पोएम है उसमें फर्स्ट पैरा एंड लास्ट पैरा काटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का शॉर्ट करने के लिए रियल पोएम है और एक पैरा है फर्स्ट में और एंडिंग में भी, बट आप लोग का यहाँ नहीं दिया है। तो फर्स्ट पैरा में हमें बताता है कि माता लोग एग्जैक्टली भीषण बीमार, तो माता लोग क्या करती है, रोती है, ठीक है। क्यों रो रही है, फर्स्ट पैरा का बात करी जो यहाँ पे नहीं है। माँ लोग रो रही है क्यों, क्योंकि इतनी महामारी में इतने लोग मारे जा रहे हैं और लोगों में भी सबसे ज्यादा बच्चे। कभी कभी होता है ना कोई कोई महामारी में बच्चे ही मारे जाए, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसीलिए यहाँ पे बच्चे से रिलेटेड बातें की गई है। क्लियर हो रहे हैं? तो यहाँ पे एक महामारी छा गई है और महामारी छा गई है तो सब लोग मर रहे हैं, बच्चे एंड ऑल एवरीवन। तो यहाँ पे पिता चाहता है कि नहीं, मेरी पुत्री को मैं अपने पास से रखूं, उसको कहीं नहीं जाने दूं। बट पुत्री एकदम हटी है। क्या स्वभाव है पुत्री का? हटीला। व्हाट इज हटीला? जिद्दी। क्या स्वभाव है पुत्री का? जिद्दी स्वभाव है। वो नहीं मानती है, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती है और झट से बाहर चली जाती है। और जब जब वो बाहर जाती है, पिता का दिल कांपता है, पिता को डर लगता है। He is very afraid, isn't it? कि क्यों डर लगता है? क्योंकि कहीं उसकी पुत्री को वो महामारी में खोना दे। अपना कोविड के टाइम में नहीं होता था, कोई भी बाहर जाते हैं स्टार्टिंग फेज में तो अपने को डर लगता था कुछ हो नहीं जाए इनको, isn't it? चाहे हम जाए या हमारे पेरेंट्स जाए या कोई भी जाए, अपने को डर लगता था ना, वैसा ही सेम चीज है। तो फर्स्ट पैरा आप लोग का क्लियर है, किसी भांति माने किस तरह, भांति तरह, किस तरह इस बार में, और इधर इस बार नहीं है, इधर हर बार है। जब जब वो बाहर गई तो उनका मतलब है हर बार मेरा दिल ऐसा ही कांपा और हर बार वो यही सोचते थे कि इस बार मैं उन्हें कैसे बचा। एक बार रीडिंग कर लो फर्स्ट पैरा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। तानिया, सुहानी, तुषार, देवांश तो टेक्स्ट कर रहे थे, ओके। देवांश आपका कौन सा बुक है, अषाढ़ का एक दिन या फिर वो वाला सारा आकाश? कौन सारा आकाश सारा आकाश, ओके। तुषार ये आपका सेकंड टाइम आप अटेंड कर रहे हो ना शायद, फूल की चाह वाला, ओके। एंड सुहानी आपका फर्स्ट है या सेकंड है ये? मैम फर्स्ट है। ओके कूल, अच्छा आपके सिलेबस में भी आपको याद है कि नहीं सुहानी? इट्स बीन सो लॉन्ग, मैं आपको कितने दिन बाद क्लास में देख रही हूँ। जी मैम वो एक्चुअली एग्जाम चल रहा था ना मिड टर्म, इसीलिए। नो प्रॉब्लम, आई विल कॉन्टेक्ट यू हाँ अभी अपकमिंग के लिए। आपका भी सारा सिलेबस ऑलमोस्ट जाने से सारा आकाश वाला चीज बाकी है। हाँ मैम श्योर। चलो जल्दी से देख लो, कोई प्रॉब्लम है? नो बाकी लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है आई गेस। चलो सेकंड पैरा, ठीक है। फर्स्ट पैरा में फीलिंग बताया गया है कि पापा को कैसे डर लग रहा है अपनी बेटी के, और बेटी का नेचर क्या है, हटीला, ये आ सकता है। कैसा है? हटी है। क्यों? क्योंकि पिता बोल रहे हैं मत जाओ, फिर भी वो जाती है। नेक्स्ट, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। यहाँ पे हाय वर्ड अफसोस के लिए, ठीक है। और जब हम लोग किसी चीज के लिए ज्यादा डरते हैं ना, किसी को खोने के लिए, या बार बार डर है ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, और नोटिस करना वही हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे भी सेम है, उसको डर था क्या कि मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। बेटी को बीमार, माने बहुत हाई फीवर की बीमारी चल रही थी, तो उसको यही डर लग रहा था मेरी बेटी को कुछ नहीं हो, वो उसके चपेट में ना आ जाए महामारी के। बट इस लाइन से क्या पता चल रहा है, हाय वही बाहर आया, मतलब बेटी चपेट में आ गई महामारी के। क्लियर? बेटी को भी बीमारी लग गई। एक दिवस सुखिया के तन को, दिवस माने दिन होता है, एक दिन सुखिया के तन को, तन मतलब शरीर होता है। एक दिन क्या देखा, क्या नोटिस किया पापा ने कि बेटी का जो शरीर है, ताप तपत मैंने पाया। ताप तपत माने बुखार से पीड़ित है, बुखार हो गया, फीवर। ताप इज व्हाट, हीट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हीटेड था उसका बॉडी पूरा, तो इसका मतलब है उसको बहुत फीवर हो गया था, और फीवर ही हो रहे थे सब बच्चों को, फीवर वाज सिम्टम लाइक दैट।
भीतर जो डर रहा छिपाए, अंदर में जो डर था पिता के, किसके अंदर में डर था, लड़की के नहीं पिता के, हाय वही बाहर आया, वही बाहर आ गया। एक दिवस सुख्या के तन को, सुख्या के शरीर को क्या पाया, ताप तपत, माने हाई फीवर हो गया। ज्वर में विहवल हो बोली बह, विहवल माने बेचैन होकर, विहवल माने बेचैन, ज्वर माने फीवर होता है। फीवर में विहवल हो बोली वह, माने कौन, बेटी बोली, ठीक है, बेचैन होकर। क्या जानू किस डर से डर, माने बच्ची है ना, बच्चों को कोई डर लगता है क्या, नो नथिंग इजंट इट, वो लोग एकदम डर नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, तो वो बिन उसको पता नहीं है वो क्या मांगने जा रही है। इन शॉर्ट वो अभी कुछ चीज ऐसा बोलेगी जिसका उसको कोई डर नहीं, और वो जो अभी मांगने जा रही है उसको पता नहीं कितना बड़ा चीज है। क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, माने मुझे प्रसाद रूप में, प्रसाद रूप में उसको स्वीट या फ्रूट्स नहीं चाहिए, नंबर वन चीज, अपने प्रसाद से उसने किसको, स्वीट फ्रूट्स लाइक दैट, बट यहाँ पे वो नहीं है, उसको प्रसाद के रूप में क्या चाहिए, फूल चाहिए, देवी माँ के मंदिर से क्या चाहिए, फूल चाहिए प्रसाद के रूप में। एग्जैक्टली देवांश, नेक्स्ट। तो ये पैरा भी देख लो एकदम, कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज पूछ लो, और सीक्वेंस नोटिस करते रहना, क्योंकि आप लोग का सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी देगा, राइट, लाइंस को इधर उधर कर देगा, तो सीक्वेंस भी साथ साथ नोट करते रहो, प्रैक्टिस तो अपने करेंगे बट आप लोग नोट भी करते रहो। सानिया सुहानी कुछ भी दिक्कत है बोलना, मैम आप व्यापल का मतलब बेचैन बोली ना, विहवल का मतलब बोल रहे बाबू, हाँ मैम, बेचैन, एक ऐसा फीलिंग होता है जिससे बेचैनी आती है, वो चीज, क्या बोल रहे हैं तुम, थर्ड लास्ट लाइन, क्या जानू किस डर से डर, माने वो तो बच्ची है, उसको नहीं पता है कि, माने नहीं होता उसको कोई डर का सामना का नहीं पता है कि डर क्या होता है, क्योंकि वो निडर है, isn't it? वो हटी थी, निडर थी, इसीलिए बाहर खेलने जाती थी, एवरीथिंग। तो यहाँ पे मतलब है क्या जानू, वो क्या जाने किस डर से डर, उसको नहीं पता है डर क्या होता है, इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे। चलो आगे चलते हैं, क्रमश, क्रमश माने धीरे धीरे, क्रमश कंठ क्षीण हो आया, कंठ माने गला, क्षीण माने वीक हो आया, ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमें फीवर होता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक हो तो नहीं होता, गला सूख जाता है, वीक माने क्या, सूख गया है, इन शॉर्ट ये बोल रहे। शीतिल हुए, शीतिल माने कमजोर, शीतिल का मतलब है कमजोर, कमजोर हुए अवयव सारे, अवयव माने बॉडी के पार्ट्स, अंग, सारे अंग पूरे कमजोर हो गए। अपने को एक दो दिन फीवर रहता है तो नहीं होता है अपना कितना पेन करता है बॉडी, अपना गला वाला सूख जाता है, तो इसको तो कई दिनों से फीवर था, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ क्या क्या हुआ, गला पूरा एकदम सूख गया। सेकेंड चीज, बॉडी का हर एक पार्ट कमजोर होते जा रहा था। कमजोर क्यों होगा सोचो, कोई मेरे को बताओ वाई, फीवर इज वन ऑफ द रीजन बट वाई कमजोर क्यों होगा, टेल मी एनीवन व्हाई कमजोर। हम बिकॉज़ वो उस टाइम पे जैसा आपने बोला कि आज जैसे कोरोना है तो उस टाइम का वो बीमारी था, तो इट कुड मतलब वो ट्रीट नहीं कर सकते थे उसको, इसलिए वो कमजोर। सेकंड चीज मैं बताती हूँ क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फीवर में क्या खाया पिया जाता है, क्या एनीथिंग कुछ इनटेक हो रहा है, नहीं, तो ऐसे ही बीमार है, ऊपर से वो ऑब्वियसली सारी चीज छोड़ दी होगी, इसीलिए वो और कमजोर हो गई है, रीजन ये हो सकता है, कमजोर वर्ड क्यों आया, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, क्रमश कंठ क्षीण हो आया, माने वीक हो गया पूरा कंठ गला, शीतिल हुए अवयव सारे, कमजोर हो गए सारे अंग, बैठा था नव नव उपाय का। Obviously, बेटी बीमार है तो पिता क्या बैठा रहेगा, नहीं, तो पिताजी क्या करते थे, बैठे बैठे नव नव माने नया नया उपाय सोचते थे, कैसे अपनी बेटी को ठीक करूं। अगर किसी के बॉडी में कोई डेडली बीमारी आती है तो उसके घर वाले क्या बैठ जाते हैं, नो, उसके घर वाले क्या करते हैं, अलग अलग उपाय सोचते हैं, राइट, हार नहीं मानते हैं, हर एक उपाय लगा देते हैं कि अपने घर के लोग या अपनी बेटी को हम कैसे बचा सके। चिंता में मैं मन मारे, ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा एक बार पढ़ते हैं, क्रमश कंठ क्षीण हो आया, शीतल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय का, बैठा हूँ नया नया उपाय का, चिंता में मैं मन मारे,
मन में कोई होप नहीं है, मन मारे नया नया उपाय क्या करे, सोचते जा रहे, अलग अलग उपाय निकालते जा रहा है। जान सकाना प्रभात सजग से, और वो इतना खो गया था कि प्रभात माने सुबह, मुझे ये भी नहीं पता है कि सुबह, सजग माने अवेयरनेस वाला चीज होता है, तो मुझ मेरे अंदर कोई अवेयरनेस नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता चला कि सुबह से, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, जान सका ना, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जान पाया। प्रभात सुबह, सजग माने अवेयरनेस, माने मेरे अंदर इतना अवेयरनेस भी नहीं था कि सुबह से हुई अलग कब दोपहरी। ये क्वेश्चन आता है कि दोपहर के लिए कौन सा संज्ञा वर्ड यूज किया गया है, माने क्या नाम दिया गया है दोपहर को, तो दोपहर को वर्ड दिया गया अलस, अलस माने आलस, क्यों, दोपहर इज ऑल अबाउट आलस, इजंट इट, मैक्सिमम पीपल सोते हैं उस टाइम एंड एवरीथिंग, इसीलिए दोपहर को आलस वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पिताजी इतना तो सर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे तुम ये सब मत बोल देना। नेक्स्ट, क्रमश कण क्षीण हो आया, शीतल हुए अव्यय सारे, बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मन मारे, जान सखाना प्रभात सजग से, हुई अलस को कब दोपहरी, माने मेरे अंदर इतना अवेयरनेस ही नहीं है, मैं इतना कॉन्शियस ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं चला सुबह से कब दोपहर, आलस भरी दोपहर भी आ गई। क्यों, खो जाता है ना, दो चीजों में खोते है, कब कब खोते है बोलो, कब कब हमें होश नहीं रहते है? जब हम बहुत चिंतित होते हैं। और वन मोर, एनीवन, वन मोर, जब हम सो रहे होते। वाह सुहानी वाह, तो दो तो दो चीज यहाँ पे में ये होता है, जब आप बहुत खुश होते हो, when you are in love or something, एक तब होश नहीं रहते, second होश जब तुम एकदम deeply pain में रहते हो, दोनों फीलिंग एक ही जगह की है, समझ रहे हो, ये लव एंड जो पेन है ये ऑलमोस्ट रिलेटेड है, अपोजिट वाली चीज हो गई, समझ रहे हो, इसीलिए दोनों चीजों में हमें होश नहीं रहता, isn't it? या तो एकदम दुखी हो, चिंतित हो, या फिर एकदम खुश हो, खुश तो कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे वो उसको क्यों अवेयरनेस नहीं था, वो क्यों होश में नहीं था, बिकॉज उसकी बेटी बीमार थी, वो बहुत पेन में था, इसीलिए ना उसको सुबह का होश, ना उसको शाम का होश, दोपहर का होश, शाम को भी आए। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, रवि माने सूरज, स्वर्ण घनों माने बादल से रिलेटेड बोला जा रहा है कि कब, माने होता है ना दिन के टाइम में तो थोड़ा गोल्डन गोल्डन रेज रहते हैं, क्लाउड वैसा ही लगता है, तो पता नहीं चला कि दिन से रात कब हो गई, सूरज कब डूब गया, होता है ना शाम के वक्त में जैसे सूरज डूब जाता है, तो कब वो बादलों के पीछे डूब गया पता नहीं चला। ये लाइन नोटिस कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जान सकाना प्रभात सजग से, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, पता नहीं चला बादलों के पीछे कब रवि चला गया, कब लौटी संध्या घेरी, ऑब्वियसली रूबी बोल रहे हैं, रवि जब डूब जाता है, सूरज जब डूब जाता है तभी तो शाम होता है, तो यहाँ पे यही लिखा है कब लौटी, कब आई, संध्या माने सांझ, शाम, शाम कब आई पता नहीं चला, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। एंड जो लास्ट फोर लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार नोट कर लो और देख लो, अगर कोई पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है। मैम सजग किसके लिए यूज किया गया, क्या वापस, संध्या, सजग, 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 होश नहीं है, सजग इज अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होश नहीं है, कब सुबह से दिन हो रहा है, दिन से शाम हो रहा है, नो अवेयरनेस, सजग वर्ड इज फॉर अवेयरनेस। मैम हम लोग इसके लिए, एक सेकंड, क्या देवांश, हम लोग इसके लिए ये भी बोल सकते हैं क्या कि जैसे वो बहुत चिंतित है अपनी बेटी को लेके, इसीलिए वो सजग नहीं है, और दूसरी तरफ वो अपनी बेटी को प्यार करता है और जिसको बीमारी, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट आ गया है, वो बोल रहा हूँ वही चीज तो बोल रहे हैं ना, वो क्यों खोया हुआ है, बिकॉज ही इज इन पेन, है ना, यही चीज तो बोला, वाई इज ही लॉस, बिकॉज ही इज इन पेन, पेन किस चीज का, बेटी का, डर है कि बेटी, माने बेटी को वो क्या बोलते, काल के ऊपर सौंप ना दे, मृत्यु ना आ जाए, इसीलिए ही इज इन पेन, मेरी बच्ची को क्या हो गया, वो खोना नहीं चाहता है, इसीलिए अवेयरनेस उसमें नहीं है, यही चीज है। बोलो आप क्या बोल रहे थे, स्वर्ण माने क्या होता है, जैसे दिन के टाइम जो क्लाउड्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, डार्क नहीं रहते ना, रेज रहते हैं, गोल्डन एंड ऑल, इसीलिए बोला गया है कि स्वर्ण क्या है, घनों, घनों माने बादल, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, रवि माने सूरज डूब गया उसके पीछे, ऐसे ही तो होता है ना, क्लाउड्स होते हैं पीछे, वो हाइड करके, इट्स लाइक दैट।
चलो नेक्स्ट में आते हैं। सभी मीनिंग क्या बोली थी आप? किसका? क्रमश। क्रमश माने धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे कण क्षीण हुआ, माने एक साथ तो नहीं कमजोर होगा ना, धीरे धीरे हो रहा। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, पिताजी को सब तरफ सारी जगह क्या दिख रहा है? अंधकार का छाया दिख रहा है। अंधकार का छाया माने डार्कनेस, डार्कनेस माने नो होप, अंधकार की छाया माने ये नहीं कि रात दिख रहे, नो इट्स व्हाट, होप नहीं है, देयर इज नो होप नाउ, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत सारी चीजें कर चुकी है इसीलिए कोई होप नहीं बचा। छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने, माने अगर वो बड़ी भी होती तो पिताजी लोग के लिए क्या है, बच्ची छोटी होती है, ठीक है, इसीलिए छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने, और यहाँ सुखिया ऐसे भी छोटी थी, छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने, ग्रस्त ने माने मारने के लिए, खाने के लिए, ग्रस्त ने इज व्हाट, खाने के लिए, मारने के लिए आ रहे। छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर अंधकार के लिए वर्ड होता है, और यहाँ पे तिमिर क्या है बोलो, वो महामारी जो आ गई है, वो बुखार, वो फीवर, वो बीमारी जो अभी सुखिया के तन में है। तो यहाँ पे क्या बोला, पिताजी को होप नहीं है, देर इज नो होप, कि उन्होंने सब कुछ कर लिया और इसीलिए वो अफसोस कर रहे क्या कि हाय मेरी छोटी सी बच्ची है, एंड उसको निकलने के लिए, उसको मारने के लिए क्या हुआ, कितना बड़ा, माने छोटी सी बच्ची और नेक्स्ट लाइन में बड़ा वर्ड है, कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर इस अंधकार आया, माने दैट महामारी को अंधकार बोला गया। ऊपर विस्तृत महाकाश में, ये सुनना, चार लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर विस्तृत महाकाश में, ऊपर माने ऊपर, विस्तृत माने फैला हुआ, यूज, ठीक है, यूज, महाकाश माने स्काई, तो एकदम विस्तृत माने फैला हुआ, महाकाश माने यूज स्काई, एकदम फैला हुआ है। ऊपर विस्तृत महाकाश में, स्काई का वर्णन है, ठीक है, ऊपर का वर्णन है, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि फायर बॉल से, अंगारे माने क्या होता है, फायर बॉल्स होता है ना, अंगारे वर्ड सुने होंगे, तो फायर बॉल्स के लिए, तो पता नहीं क्यों इनको क्या लगा कि ऊपर महाकाश में वो क्या नोट कर रहे कि बहुत सारे फायर बॉल्स है, बट ऑब्वियसली फायर बॉल्स तो होते नहीं, अभी तुम लोग स्काई के बाहर देखोगे तो फायर बॉल्स दिखेगा, नो, तो देखते हैं क्यों बोला गया। झुलसी सी जाती थी आंखें, झुलसी माने जलती है आंखें, झुलसी इज व्हाट, जल रही है, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, क्यों माने मुझे ऊपर स्टार्स दिख रहे, ठीक है, जगमग माने चमक रहे हैं तारे, बट वो तारों को देखकर मेरा आंख में जलन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तुषार याद है, तुषार तुमको, तुषार आप सो गए हो? यस मैम याद है, यस मैम याद है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर अभी बताते फोर लाइन, ठीक है, टाइम चाहिए अपने को। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी थी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, माने ऊपर जो अंगारे वर्ड यूज किया गया बेसिकली इट इज फॉर स्टार्स, नंबर वन, तारों के लिए ही यूज किया। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है, जब जब वो तारों को भी देखता था तो उनकी आंखों में पेन होता था, क्यों पेन हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर वन चीज, ही वॉज सो टायर्ड, वो रात दिन सोया नहीं है, जब अपने रात दिन सोते नहीं है, थक जाते हैं, तो अपने कोई भी चीज ऊपर देखे अपना आईज पेन करेगा कि नहीं, जलेगा कि नहीं, करेगा ना। सेकेंड चीज एग्जॉस्टेड, वेरी नाइस, एग्जॉस्टेड था। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या था, जलते से अंगारों से सब वर्ड क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे फीवर को भी हाईलाइट करने जा रहे हैं, जो सुखिया का तन है वो क्या है, एक कप रहा था, isn't it? पूरा एकदम व्हाट टू से, एकदम हीट वाली चीज थी, अंगारों जैसे जैसे लग रहा है कि उसका बॉडी में पूरा अंगारे जल रहे हैं, इन शॉर्ट फायर बॉल जैसी गर्मी है उसके शरीर में, ये चीज। फिर यहाँ पे अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी थी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, माने जब जब वो स्काई को देखता था तो उसको स्टार्स क्या लगता था, लगता था अंगारे, और उसको देखकर उसको क्या फीलिंग आता था कि उसका आग जल रहा है, माने ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, इसीलिए उसका आग जलन जैसा लगता है। सेकेंड चीज और एक मैं अपना इंटरप्रिटेशन बोलना चाहूंगी, हम लोग का जो तारे वारे होता है इट इज अ वेरी स्वीट साइन और समथिंग, राइट, बहुत स्वीट चीज को रिप्रेजेंट करता है स्टार्स,
इट्स अ लवली थिंग. बट सपोज करो अगर आप लोग पेन में हो, राइट, पीस पीस को रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्स, ओके, बट आप लोग पेन में हो, ठीक है, तो आप लोग को चांद सितारे या कुछ भी चीजें अच्छी लगेंगी, लगेंगी अगर आप पेन में हो, नहीं लगेंगी. इसीलिए तारे उसको कैसा फील आ रहा है, उसको अंगारे जैसा फील भी दे रहा है, ये चीज भी होता है. सपोज तुम गोवा गए, तुम एंजॉय कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ और एक बैड न्यूज आ गया, क्या तब भी तुम्हारा माने तुमको वो गोवा उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा? नहीं लगेगा. क्यों? इट इज ऑल इन द माइंड. तो उसको तारे भी उतना सुकून नहीं दे रहे. क्यों? क्योंकि वो पेन में है. व्हाट इज द पेन? उसकी बेटी तकलीफ में है. तो ये एक साइड इंटरप्रिटेशन है, रख कर रखना. बट यहाँ पे मेनली यही है, ही वाज सो एग्जॉस्टेड कि उसको वो जब भी कहीं भी देख रहा है, तारों की रोशनी भी देख रहा है, तो उसकी आंखें जलने लग जाती है अंगारों जैसे. क्लियर है सबको? इसमें तो टाइम देख लो, माने टाइम दे दो, एक बार ये रीड कर लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोर लाइंस और पिछले वाले पैरा का लाइन. एनीथिंग? सानिया, तुषार, देवांश, सुहानी, एनी प्रॉब्लम? अच्छे से देखो, खुद से सोचो थोड़ा. क्लियर है? ओके, सबका क्लियर है. ओके, नेक्स्ट. दो मीनिंग, मतलब वही मीनिंग है ना, कि एक तो उसकी बेटी का तबीयत खराब है इसलिए ऐसा लग रहा है, और एक तो वो टायर्ड है, यही तो है ना? माने अगर आप रियल मीनिंग पूछोगे तो माने वो इतना एग्जॉस्टेड है, इतना टायर्ड है कि हम लोग कुछ भी देखते तो आंखों में दर्द होता है ना, जलन होता है, इसीलिए वो तारो या किसी को भी देख रहे हैं तो उसको बहुत जलन हो रहा है आंख में. और सेकंड जो मैंने अपना पर्सनल आप लोगों को बोला कि अगर आप हैप्पी माने आप सैड चीज माने आप सैड हो तब आप कुछ अच्छी चीज भी देखोगे तो वो गंदी ही लगेगी, अंगारे जैसी फील दे. तो यही दो चीज है सानिया. ठीक है? ठीक है मैम. नेक्स्ट. देख रहा था जैसे सुस्तिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर. अपनी बेटी के लिए बोल रहे हैं कि वो सुस्तिर माने दृढ़, एक जगह नहीं बैठती थी. सुस्तिर इज एक जगह, वो कभी भी पहले नहीं बैठती थी. देख रहा था जैसे सुस्तिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, एक सेकेंड भी उसकी बेटी नहीं बैठती थी. हाय, वही चुपचाप पड़ी थी. बट अब देखो प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अब देखो वो चुपचाप बैठी है. क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में बीमारी है, इजंट इट, फीवर आ गया. हाय, वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर. अटल शांति माने क्या होता है बोलो? जिसको हिला नहीं सकते. अटल इज व्हाट? जिसको आप लोग हिला नहीं सकते, रिजिड हो गया. तो रिजिड शांति सी धारण कर माने उसके अंदर कोई पीस, कोई शांति सदा. ये वो शांति नहीं है हैप्पी वाला, इट इज लाइक कि वो कुछ नहीं बोल रही है, अंदर ही अंदर उसने भी हार मान लिया है, उसको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. अपने बीमार होते तो मस्ती वस्ती करते है क्या? नहीं, अपने भी अटल होकर ऐसे ही पड़े रहते हैं. तो वापस पढ़ते. देख रहा था जैसे सुस्तिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर. हाय, वही चुपचाप पड़ी थी. अभी प्रेजेंट का बता रहे, वो पास्ट के लिए था दो लाइन, अभी प्रेजेंट. हाय, वही चुपचाप पड़ी थी, अब देखो चुपचाप पड़ी है, अटल शांति सी धारण कर. कुछ नहीं बोल रही है, एकदम मम है. सुनना यही चाहता था मैं, और अब मैं चाहता हूं, मैं बोल मैंने बुलवाना चाहता अपनी पुत्री से. सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर. मैं वो कुछ नहीं बोल रही थी, शी वॉज एकदम मम क्वाइट. तो मैं ही चाहता था, मैं उसको उकसाना चाह रहा हूँ कि वो कुछ बोले. और क्या बुलवाना चाह रहे देखो. सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, खुद उकसाकर बुलवाना चाहते है मुझको, देवी का प्रसाद का एक फूल ही दुलाकर. माने ये बेटी नहीं बोल रही, अभी बेटी ने एक बार ही विश मांगा था कि आप मेरे लिए फूल ला दो. बट यहाँ पे जब वो एकदम चुप हो गई, काफी दिन हो गया और वो चुप हो गई, और अब उसको होप भी नहीं है, उसको एक्सपेक्टेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं है. तो पिताजी चाहते हैं कि वो इतनी चुप हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको उकसाऊं, और उकसा कर क्या बुलवाना चाहूं कि वो एक होप लेकर आए मन में, और वो मुझसे पूछे कि माँ, माँ बोल रही, पिता आप मेरे लिए माँ का फूल लाकर ही दे दो. क्लियर है? माने बेटी नहीं बोल रही, पिताजी बोल रहे कि मैं चाहता हूँ उकसाऊं उस पुत्री को, और वो विश करे. और एक चीज है इसमें, अगर सोचो हम लोग, ठीक है, हम लोग में अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रहे, होप नहीं रहे, हम कोई इच्छा नहीं करे, तो इट्स अ प्रॉब्लम और नॉट? बोलो, जब हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम की चीज है कि नहीं है? क्या लगता है, क्या लगता है सब लोग? पिता भावना में क्यों बह जाएगा? देवांश,
मैम क्योंकि जब पिता अपनी पुत्री से पूछ रहा है कि उसको फूल चाहिए कि नहीं, वो तो एक्चुअली उसको उठाना चाह रहा है कि वो नहीं ला सकता, वो चाहता है कि उसकी बेटी बोले कि वो नहीं ला सकता, लेकिन जब बेटी उस कंडीशन में उसको बोलेगी कि उसको एक माता का फूल ही चाहिए तो ऑब्वियसली वो जाएगा ही ना, तो भावना में बह के उसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी चीज ठीक है, बट यहाँ पे मेनली व्हाट आई फील अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे वो इसीलिए उससे उकसा रहा था क्योंकि ऊपर में एक लाइन था शी वॉज वेरी क्वाइट, यहाँ पे जो शांत वाला चीज आया है शी वॉज वेरी क्वाइट, शी वॉज नॉट स्पीकिंग, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो कुछ अपना विश भी एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, और विश एक्सप्रेस माने क्या, उसके अंदर शायद कोई विश ही नहीं रहे। सपोज करो हम लोग बीमार है, अगर हमारे अंदर उम्मीद होती है हम ठीक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हो जाते हैं ना, एक जोश आता है, और हम लोग उस चीज के लिए ऑब्वियसली कोई रिक्वेस्ट करेंगे, विश करेंगे अपने पेरेंट्स या किसी से। बट अगर बेटी कुछ बोलना ही छोड़ दे, कुछ करना ही छोड़ दे, तो तुम सोचो उसके अंदर क्या बीत रहा है। अगर एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाता है तो क्या आगे का लाइफ माने क्या बोले, इज इट पॉसिबल कि आगे का लाइफ होगा। इसीलिए वो ये भी चाहते हैं कि उसके मन में एक्सपेक्टेशन जगे, वो होप को खोए ना, he doesn't want कि अब उसकी पुत्री होप को खो दे, एक समझ रहे हो, एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। बोलते हैं ना क्या, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है, इट्स लाइक दैट, उम्मीद ही नहीं है तो दुनिया क्या होगी, जीवन क्या है, उम्मीद से ही रहता है, हम लोग सब होप में जी रहे, isn't it, it's just hope, nothing else। तो यहाँ पे वो चीज भी mentioned है। Next, clear है देवांश? हाँ भैया, हाँ मैम। Okay, शहर शिखर के ऊपर, अब वो मंदिर का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो चीज है वो मंदिर से रिलेटेड है। ऊपर शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे माने क्या होता है, ऊपर, ऊंचे माने क्या होता है बोलो, ऊपर, शैल शिखर के ऊपर, शैल शिखर माने क्या होता है, पर्वत की चोटी पर, कहां पर बोलो, पर्वत की चोटी पर, माने मंदिर कहां था, ऊपर कहीं पे था। गिव मी अ सेकेंड, हाँ ओके, इतना आप लोग ने देख लिया होगा, कहाँ थे अपने, यहाँ पे ऊंचे, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, माने मंदिर कहाँ था, पर्वत की चोटी पर, एकदम ऊपर मंदिर था, विस्तीर्ण विशाल, मंदिर जो था विस्तीर्ण माने फैला हुआ, विशाल तो बड़ा आप लोग को पता है, माने एकदम फैला हुआ है, बड़ा है, ठीक है, विस्तीर्ण इज फैला हुआ, विशाल इज बड़ा। स्वर्ण कलश, स्वर्ण, अच्छा ये दो लाइन मुझे साथ में पढ़ना होगा, थर्ड एंड फोर्थ, तभी इनर मीनिंग बता पाऊंगा। स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, सरसीज का मतलब कमल होता है, कमल का फूल, ठीक है, विहसित माने खिले हुए थे, लिख लो ब्लॉजम, सरसीज इस कमल का फूल, विहसित इस खिल रहे थे या खिले हुए थे टाइप। स्वर्ण माने क्या होता है, गोल्डन, गोल्डन चीज, कलश तो आप लोग को पता ही है ना, स्वर्ण इज व्हाट, सोने का जैसे चमक है, गोल्डन रेस उसको बोलते हैं,
और कलश का मतलब यू पीपल नो, पॉट जैसा, ठीक है, कलश। पाकर समुदित, समुदित माने हैप्पी, समुदित का मतलब खुश होता है, हैप्पी। रवि कर जाल माने रवि का रोशनी जो पड़ता है, रवि का रेज, सनशाइन। रवि कर जाल का मतलब सनशाइन बोलो, रवि सूर्य की जो किरणें हमारे ऊपर आती है उसको बोलते हैं। तो इन सब का वर्ड्स का मीनिंग पहले आप लोग लिख लो, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, ठीक है, ये वर्ड है। अब समझाते हैं, माँ ने मंदिर में जब गया ना तो उन लोगों को क्या दिखा, कमल के फूल खिले हुए थे, नंबर वन, ठीक है। अब जो कमल के फूल खिले हुए थे ना उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, और कमल के फूल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ रही थी मानो वो गोल्डन पॉट लग रहा था, सोने का घड़ा, सोने का पॉट लग रहा था। इतना इजी मीनिंग है इसका, बट बहुत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। वापस, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित पाकर समुदित रवि कर जाल, मतलब वहां पे फूल खिले हुए थे, कमल के फूल खिले हुए थे और उस पे रवि की रोशनी पड़ रही थी, किरणें पड़ रही थी, और मानो ऐसा लग रहा था रवि की किरणें पड़ने पर कि वो गोल्डन पॉट हो, कलश हो, ऐसे जैसे कलश होता है वैसे लग रहा था, सोने का घड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, दीप धूप से अच्छा दिख था, मंदिर कैसे होता है, धूप दीप होता है ना, पूरा स्मेल फ्रेग्रेंस एकदम फैला हुआ है, तो वही बोल रहे, धूप जला हुआ था, दीपक जला हुआ था, अच्छा दिख था, माने एकदम शोभा दे रहा था। मंदिर का आंगन सारा, ये सब सारी चीजें कहाँ थी, मंदिर के आंगन में, मंदिर का जो एकदम आंगन है वहां पे धूप दीप सब जल रहे थे, गूंज रही थी भीतर बाहर, माने मंदिर के अंदर भी मंदिर के बाहर भी गूंज रही थी, आवाज हो रही थी। मुखरित उत्सव की धारा, मुखरित माने शोर हो रहा है, आवाजें हो रही है, उत्सव की धारा माने फेस्टिवल, उत्सव माने फेस्टिवल, माने लोग एकदम इतने अच्छे मूड में है, फेस्टिव मूड में है कि हर जगह भजन कीर्तन का आवाज है, लोगों का आवाज आ रहा था। तो इसका लाइन का मतलब बस इतना ही था, एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो या कुछ अपना बताना है, कुछ अपना एनालिसिस बताना है तो एकदम बताओ। गूंज रही थी भीतर बाहर, माने अंदर और बाहर, किसके अंदर और बाहर, मंदिर, मंदिर के भीतर और बाहर मुखरित उत्सव की धारा, मुखरित माने शोरगुल होता है, ठीक है, आवाजें होती है। तो जब वो मंदिर गया तो इतना फेस्टिव मूड था कि बाहर अंदर हर जगह शोर ही शोर हो रहा था, शोर इन द सेंस भजन कीर्तन, लोगों का आना जाना, ये सब का शोर के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है देवांश। हाँ मैम। मैम आप एक बार फिर वो थर्ड और फोर्थ लाइन बोल लेंगी प्लीज। स्वर्ण कलश सरसीज विहसित, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित पाकर समुदित रवि का जाल, वर्ड का मीनिंग तो आपने लिखा, इसका मतलब क्या है, मंदिर में कमल के फूल खिले हुए थे और उसके ऊपर रवि की किरणें माने सूरज की किरणें पड़ रही थी, और जब सूर्य की किरणें फूल पर गिर रही थी तो वो बहुत चमकने लगा, कैसे चमक रहा, जैसे कोई सोने का घड़ा हो। क्लियर है सान्या, यही मतलब है, नथिंग एल्स। चलो आगे आ जाते, भक्त वृंद सब मधुर कंठ से, भक्त वृंद माने भक्त लोग, जो ग्रुप, भक्त लोग सब मधुर कंठ से, मधुर कंठ माने एकदम सुरीला गला, सुरीले कंठ से, कंठ इस गला से, गाते थे सब भक्ति मुद्मय, सब भक्ति माने भक्ति के साथ, समास में आप लोग पढ़े होंगे सब तोड़ने का वर्ड, सब भक्ति भक्ति के साथ, माने जितने भी भक्ति भक्त लोग थे वो लोग भक्ति के साथ प्रसन्न होके, मुदमय, मय इज वर्ड, मुदमय इज प्रसन्न होकर, खुश होकर भजन गा रहे थे। क्या भजन गा रहे थे ये लिखा हुआ है, पतित तारिणी पाप हारिणी, पतित तारिणी माने पापियों का उद्धार करने वाली, ठीक है, पाप हारिणी, पाप हारती है जो, हरती है जो, नॉट हारती, पाप हरती है जो, माता तेरी जय जय जय, माने जस्ट लिरिक्स है भजन का कि वो लोग गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। नेक्स्ट लाइन, पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, माने जब वो गया मंदिर में तो बैकग्राउंड में भजन कीर्तन चल रहा था, जो फर्स्ट टू लाइन में, तो अपने ये पिता के मुंह से भी ये लाइन निकल गया, क्या लाइन निकला, पतित तारिणी तेरी जय जय, माने माता तेरी जय जय, वो बोल रहे जो पापियों का पापों को क्या बोलते हैं, पापों को हरती है एवरीथिंग, उसकी जय जय जय, माने देवी माँ की जय 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 बोल रहे।
मेरे मुख से भी निकला, माने इनके मुख से भी भजन का लाइन निकल गया। बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला, ढिकले माने आगे की ओर बढ़ना, ढिकला इज आगे की ओर बढ़ना, माने वो खुद से नहीं गया, उसने कोई बल नहीं लगाया, पता नहीं कोई पीछे से पुश आया या क्या उसके अंदर एक जोश आया कि अपने आप आगे की ओर वो चला गया। होता है ना, अपने कोई क्राउडी एरिया में रहते हैं तो धक्का मुक्की से अपने खुद ही आगे चले जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं। बिना बड़े ही मैं आगे, मैं नहीं गया, मैं आगे नहीं जा रहा हूं, बिना बड़े ही मैं आगे जाने किस बल से निकला, बल इस शक्ति, किस शक्ति से मैं आगे की ओर चला गया, आई डोंट नो। नेक्स्ट, मेरे दीप फूल लेकर वे, वे कौन, पंडित जी के लिए बोल रहे हैं, वे बेसिकली प्लूरल के लिए होता है या फिर कोई बड़े के लिए होता है, वाक्य शुद्धि में आप लोग का काम आएगा, वे वर्ड इज किसके लिए, या तो प्लूरल जो बहुत लोग हैं उनके लिए, या फिर रेस्पेक्ट करते हैं अपने जिसको उसके लिए यूज करते हैं, तो ये वे वर्ड है पंडित जी के, ठीक है, बड़े अपने ये नहीं बोल सकते वह और समथिंग। मेरे दीप फूल लेकर वे, माने ऑब्वियसली वो गए तो खाली हाथ नहीं लेकर गया ना, फूल दीपक ये सब लेकर गए, मेरे दीप फूल लेकर वे अंबा को अर्पित करके, माँ को चढ़ा दिया, अर्पित माने माँ को चढ़ाया, अंबा माँ को दिया, पुजारी ने प्रसाद जब, ऑब्वियसली जब हम लोग कुछ चढ़ाते हैं ना तो रिटर्न में हमें भी कोई देता है, माने पुजारी जी हमें भी प्रसाद देते हैं, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, आगे को अंजलि माने ये अंजलि, अंजलि भर के आगे को प्रसाद दिया, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर में, मैं प्रसाद लेना भूल गया, परम लाभ माने हाईएस्ट सुख, माने जो हाईएस्ट सुख होता है ना, टॉप मोस्ट सुख, उसके लिए वर्ड होता है परम लाभ, ठीक है, माने उसको कुछ ऐसी चीज मिल गई थी कि जिसके कारण वो सब कुछ लेना भूल गया था, माने फ्रूट्स फ्रूट्स है व्हाटएवर, वो सब कुछ लेना भूल गया, सोचा बेटी के को माँ के ये पुण्य पुष्प दू जाकर, माने उसके हाथ में क्या आ गया था, फूल आ गया था, पुष्प इज व्हाट, फूल, उसके हाथ में फूल आ गया था तो वो और बाकी चीज लेना भूल गया, उसको चाहिए ही नहीं था। होता है ना, हमें जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ गया, उसके बाद लालच ने कि मिठाई मिलेगा, फल मिलेगा, ब्ला ब्ला थिंग्स, सिर्फ मुझे जो चाहिए था पुष्प, जो मेरी बेटी के लिए प्यारा था, जिसके लिए मैं आया, जो इतना खतरा मैंने लिया वो मुझे मिल गया। सिंह पौर तक आंगन, सॉरी सिंह पौर तक भी आंगन से, सिंह पौर माने मेन गेट, मंदिर का मेन गेट जो मेन एग्जिट है, सिंह पौर तक भी आंगन से, माने वो आंगन में खड़ा हुआ है, माने मंदिर से निकल ही रहा होगा, आंगन में खड़ा और मेन गेट तक भी ना जा पाया, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, माने एग्जिट गेट तक नहीं जा पाया आंगन से, सहसा या सुन पड़ा कि, सहसा माने अचानक, मुझे अचानक कुछ सुनाई दिया, कैसे यह अचूत भीतर आया, माने कुछ लोगों ने इसे समझ लिया, कुछ लोग ने इसको पकड़ लिया और इसको अचूत जो इनका था, छोटी जाती है तो लोग इसको पकड़ के बोलते इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये अचूत कैसे घर में, घर बोल रही हूँ, मंदिर में आ सकता है, पकड़ो देखो भाग ना जाए, बना धूर्त है यह कैसा, धूर्त माने धोखा देने वाला, तो बोल रहे पकड़ो भाग ना जाए, बना धूर्त माने हम लोग को धोखा दे रहे यह कैसा, और धोखा कैसे दे रहे, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, साफ स्वच्छ माने नीट एंड क्लीन कपड़े पहने हैं, परिधान इस वस्त्र कपड़े पहने हैं, भले मनुष्य के जैसे, सोचो यहाँ पे देखो पहले के जमाने में जो छोटी जाति के लोग होते थे, बेसिकली शुद्राज आप लोग बोल सकते हो, उनको ही अपने अनटचेबल में लेते हैं, तो जो शुद्राज है उनको, वो छोटी जाति के हैं, वो अनटचेबल है व्हाटएवर, उनको साफ कपड़े पहनने का भी हक नहीं है, इजंट इट अ क्राइम, पहले के लोग कैसे थे, अगर वो साफ कपड़ा पहन लिए तो ये तो अच्छी बात है ना, क्लीनलीनेस नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, बट यहाँ पे बोल रहे ये तो धोखा दे रहे हैं, देखो जान मुझ के इसने नीट एंड क्लीन कपड़ा पहन के आया ताकि कोई से पहचान नहीं पाए, इसीलिए देखो धोखा दे रहे हैं। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि लोगों ने पकड़ा या भक्त जो वर्ड है, तो बेसिकली दे आर सो कॉल्ड भक्त, क्यों, तुम मंदिर जाते हो तो तुम लोगों को देखते हो या माता के दर्शन करते हो, माता की भक्ति में खो जाते हो, ऑब्वियसली माता की भक्ति में खो जाते हो, बट कुछ कुछ लोग इतने बदमाश होते हैं वो मंदिर कोई पूजा के लिए नहीं जाते बल्कि ये सब चीज के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी चीज है। और एक चीज क्या है, मंदिर इज फॉर पॉजिटिविटी इजंट इट, बट यहाँ पे वो भक्त लोग अगर सच में इतने अच्छे भक्त होते क्या वो मारपीट मंदिर में करते, पकड़ने की बात करते, क्या वो लोग इतने करप्टेड होता, उनके फीलिंग्स इतने घटिया होते कि पकड़ो वो छोटी जाति बड़ी जाति, नहीं होता। तो यहाँ पे ये सारी चीज के ऊपर सरकाजम भी आप लोग बोल सकते हैं।
और यहाँ पे ये भी है कि जिसको अगर समझ नहीं आए, पहले के जमाने में जो छोटी जाति के लोग या अनटचेबल अछूत थे, उनको मंदिर में अलाउड नहीं था जाना, तो इसीलिए पकड़ने बोल रहे कि छोटी जाति का एक मंदिर में घुस गया। नेक्स्ट, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। अनर्थ माने कोई पाप किया, भारी माने बड़ा। पापी किसको बोला जा रहा है? सुखिया के पिता को। सोचो, पापी वर्ड दिया है उसको। ये पापी ने मंदिर में घुसकर कितना बड़ा पाप कर दिया, ऐसे बोल रहे हैं मंदिर के लोग। कलुषित कर दी है मंदिर की। कलुषित माने अशुद्ध कर दिया मंदिर को, अपवित्र। कलुषित कर दी है मंदिर की चीरकालिक शुचिता सारी। शुचिता माने पवित्रता, चीरकालिक माने जो बहुत काल से चलती आ रही है, जो बहुत सालों से चलती आ रही है या युगों से चलती आ रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये इतना बदमाश है छोटी जाति का, ये मंदिर में घुस गया और मंदिर में घुसकर क्या किया, पवित्रता नष्ट कर दिया, स्वच्छता नष्ट कर दिया मंदिर का, जो बहुत युगों से चलती आ रही थी, जो बहुत सालों से चलती आ रही थी। क्लियर है सबको ये फोर लाइन्स? बोलो बोलो। हाँ मैम, एक बार फिर मीनिंग बोल सकती हैं? किसका बाबू? ये लाइन का, चीरकालिक है सबका। हाँ मैम, ठीक है। चीरकालिक माने जो लंबे समय से वक्त चलते आ रहे, बहुत टाइम से आ रहे, युगों से। और शुचिता माने पवित्रता। शुचिता इज पवित्रता। शुचिता वर्ड इज फॉर पवित्रता। कलुषित माने अपवित्र करना, अशुद्ध करना। कलुषित माने अपवित्र, अपवित्र या अशुद्ध। नेक्स्ट, ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। नाउ सुख्या के पिता इज स्पीकिंग। ये जो लाइन है वो सुख्या के पिता ने बोला। ए क्या मेरा कलुष, कलुष माने पाप, क्या मेरा पाप बड़ा है देवी की गरिमा, माने देवी के पवित्रता, देवी के महत्व से। बहुत अच्छा लाइन है। माने देवी माँ कौन होती है? जो सब बच्चों को बनाती है। अगर अपने एक शॉर्ट में देखें, बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों को मानते हैं, अलग अलग देवी देवता को मानते हैं, बट सपोज करो हम लोग क्या मानते हैं, भगवान ने ही हमें बनाया है। और जो हमें बनाएगा, क्या वो हमें ऊंचा नीचा देखता होगा? उनसे तो हम बने हैं, उनके तो हम अंग है, तो कैसे हम अपवित्र हो जाएंगे? तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मेरी छोटी सी, क्या बोलते हैं, छोटा सा पाप, छोटी सी अपवित्रता, माँ की गरिमा जो इतनी बड़ी होती है, उनसे भी बड़ी है क्या? माने मेरा पाप माँ के पवित्रता से बड़ा है क्या? ये चीज बोला जा रहा है। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। माने क्या मैं किसी भी बात के आगे हूं माता से? माने होता है ना, माता की महिमा क्या होता है? माता का ऐश्वर्या, माता का हर एक चीज, जो भी बोल लो, महिमा ऐश्वर्या भी बोल सकते। तो माँ की जो महिमा है, इतनी बड़ी है वो, इतनी अच्छी है। किसी भी बात में मैं तुम्हारी देवी माँ के आगे हो सकता हूँ क्या? अपने कोई लोग भी भगवान के आगे है नहीं ना, अपने तो उनके पीछे ही होंगे। तो इसीलिए ये चीज बोला जा रहा है कि भगवान इतने बड़े हैं, हम लोग कब से उनके आगे हो गए? चाहे वो हमारी शुद्धता है या अशुद्धता है, दोनों चीज माँ से कभी बड़ी नहीं हो सकती है। एक बार देख लो इतना आप लोग, कोई भी दिक्कत है पूछ लो। किसी को भी कुछ पूछना है पूछ लो, बस खत्म होने ही वाला है। कुछ पूछना है भूमि? चलो करते हैं फिर आगे। माँ के भक्त हुए तुम कैसे? अब रियलिटी बता रहा है, भाष में बोल रहा है कि तुम लोग अपने आप को माँ के भक्त बोलते हो और इतना करप्टेड फीलिंग रखते हो। ये चीज है, मैं माने भावना इतनी गंदी और भक्त वर्ड यूज करते हो, इट इज इम्पॉसिबल। करके या विचार खोटा, खोटा माने बुरा,
बुरा विचार करके अपने आप को माँ का भक्त बोलते हो, तुम लोग कोई माँ के भक्त नहीं हो, क्योंकि जो लोग भी भक्त होते हैं, डाउन टू अर्थ पर्सन होते हैं, जो भी चीज है वो लोग कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, उनका विचार एकदम शुद्ध होगा। पहला बात, वो लोग ऊपर नीचे मानेंगे नहीं, ऊंचा नीचा, वो लोग सबको इक्वल देखेंगे। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, माँ के सम्मुख माने माँ के सामने, हम लोग मंदिर में है, माँ के सामने है, और तुम माँ की गरिमा, ये जो गौरव वर्ड है वो गरिमा है या महानता है, तुम लोग माँ की महानता को कम कर रहे हो मेरे पाप को बड़ा बोलकर, मेरे नीची जाति को बड़ा बोलकर, कैसे भक्त हो तुम लोग? वापस बोलते, माँ के भक्त हुए तुम कैसे? करके या विचार खोटा, खोटा इज बुरा। माँ के सम्मुख माने माँ के सामने ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, माने तुम लोग मेरे को इतना बड़ा बोल रहे हो, या मैंने माँ का चीज खराब कर दिया, मंदिर की अशुद्ध, मंदिर को अशुद्ध कर दिया, माने तुम्हारी देवी माँ छोटी है मेरी अशुद्धता से, तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है, तुम लोग अपनी माँ के सामने इंसल्ट कर रहे हो, ऐसे करके बोल रहा है। कुछ ना सुना भक्तों ने, बट ये सब बात ही नहीं सुना, क्यों? कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपना चीज राइट लगता है, आई एम करेक्ट, तो यहाँ के भक्त भी ऐसे आई एम करेक्ट, वो लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि इनमें बुद्धि तो है नहीं ना, ये लोग दिमाग से गए हुए हैं, रीजनिंग नहीं समझेंगे ना। कोई अच्छा इंसान हो है, वो रीजनिंग सुनता है, वो बातें सुनता है, बट यहाँ पे ये लोग में तो बुद्धि ही नहीं है, तो रीजन कहाँ से सुनेंगे? देखो, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, क्या किया? घेरा और पकड़ लिया, मार मार के मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया, माने सुखिया के पिता को गिरा दिया, जस्ट इमेजिन, इतना मारा घूसे लात सब कुछ इतना मारा कि धम से उसको क्या कर दिया, नीचे जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, माने उसको अपने मार खाने का दुख नहीं हो रहा है, मेन दुख क्या हो रहा है कि जो हाथ में प्रसाद था, जो वो अपनी बेटी के लिए लिया था, जिसके लिए उसने ये सब चीजें की, वो प्रसाद गिर गया। और सेकेंड चीज और है कि वो अपनी खुशी के लिए कोई मंदिर नहीं आया, isn't it? वो मंदिर क्यों आया? अपनी पुत्री के लिए, क्योंकि वही एक लास्ट ऑप्शन उसको लगा, उसने सारी चीजें कर ली, सारी रैशनल चीजें कर ली, लास्ट में जब देखते हैं कुछ नहीं बचा तो वो माता के मंदिर आया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह, माने फूल या कुछ भी, सारी चीजें क्या हुई, जमीन पर गिर गया, और अपनी बेटी को अभागी बोल रहे, क्यों? इतना दूर वो आ गया, फिर भी वो अपनी बेटी तक पुष्प नहीं पहुंचा पाया, फूल नहीं पहुंचा पाया, इसीलिए बेटी के लिए लास्ट में क्या संज्ञा यूज किया है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करके भी एमसीक्यू आएगा, तो ये सब नोट करना तुम लोग, अभागी वर्ड यूज किया गया इस पैरा। अंतिम बार गोद में बेटी, माने एंडिंग में, लास्ट टाइम भी, किसका लास्ट टाइम? पिता का नहीं, पुत्री का, पुत्री के लास्ट टाइम में भी गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं, माने एंडिंग में भी, ऑब्वियसली पुत्री क्या हो रही है, दूर चली जा रही है, काल के पास जा रही है, ठीक है, मृत्यु के पास जा रही है। क्यों मैं बोल रही हूँ बताऊंगी कि मैं कैसे बोल रही हूँ कि मृत्यु के पास जा रही है, कैसे, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके या आप, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं, हाँ माने लास्ट टाइम भी मैं तुझे गोदी नहीं ले सका, एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको देना सका मैं, एक अफसोस रह गया सिर्फ, अपने मारने माने अपने पीटे जाने ये सब का अफसोस नहीं रहा, क्या अफसोस रहा, उसकी पुत्री की अंतिम इच्छा वो पूरा नहीं कर सका। Why am I saying अंतिम इच्छा? क्योंकि इसका जो लास्ट पैरा है जो आप लोग को नहीं दिया उसमें मेंशन है कि यहाँ पे इसको बहुत मारा गया, फिर इसको जेल में दे दिया गया, उसको 7 days या कितने दिन का जेल हुआ था, ठीक है, ऑब्वियसली वो 7 days के बाद वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो अपनी बेटी को देखेगा, और जब वो 7 days बाद छूटा जेल से, जब वो जाकर देखा तो उसकी बच्ची नहीं उसको मिली, माने शी वॉज नॉट अलाइव, वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि वो लास्ट विश था जो वो पूरा नहीं कर सका, क्योंकि उसके बाद वो काल को चली गई थी, यही इसका लाइन है। तो आप लोग देख लो, कोई प्रॉब्लम है कुछ है पूछ लो। और कवि के बारे में ना हम डिस्कशन करेंगे, अभी तक किसी भी कवि या लेखक के बारे में डिस्कशन क्लास में नहीं हुआ, ठीक है, तो वो सब भी एक क्लास में सारे जितना भी अपना आर्ट है, क्योंकि 4 poem हो गया, 4 chapters हो गया, आर्टों के बारे में हम लोग पूरा एकदम अच्छे से डिस्कशन करेंगे सारी चीजों के बारे में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, एनीथिंग।
मैम सारा आकाश का जो राइटर है उसका भी डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा. हाँ उसका भी करना पड़ेगा. और सारा आकाश से तो इतना सुभान अल्लाह क्वेश्चन आए हैं कि हम लोग को बताएंगे. एक एक क्वेश्चन ऐसा अंदर का दिया है कि एक बार तो तुम लोग को लगेगा कि ये हिंदी ही है ना. बट डरो मत, वो सभी सॉल्व हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा. एक सेकंड sure, no problem. क्लास के बाद आपको कॉल दे दूंगा. यू टेक्स्ट मी हाँ क्योंकि मेरा भी क्लास है. आई विल कॉल यू अप ठीक है. थोड़ा लेट से आई विल कॉल यू अप. ओके मैम थैंक यू मैम. ओके चलो बाकी लोग फटाफट देखो एनी प्रॉब्लम. सुहानी सानिया मैम क्लियर है. क्लियर है ठीक है तो एग्जिट कर सकते हो. सानिया और तुषार अगर आप लोग का क्लियर है तो सुहानी आप रहो. आप मेरे को बताओ स्कूल में क्या चल रहे हैं. हाँ तुषार मैम सारा आकाश का क्या होगा मैम रात को या फिर अभी या फिर रात को करेंगे. अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे. हाँ अच्छा ठीक मैं लिंक भेज दूंगी या यही लिंक होगा मोस्टली. सुहानी आप अच्छा एक सेकेंड ओके. तो अपना एक फूल की चाय खत्म हुआ. एमसीक्यू वी विल डिस्कस. हाँ